हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बस फ्लो यू एंड माइंड। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे शेयर करती हूँ मेरे वीडियोस रिलेटेड टू हेल्थ, ब्यूटी, फिटनेस, फैशन एंड मैनी मोर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज आज मैं बनाने जा रही हूँ एक फेस्टिवल स्पेशल मिठाई, वो है सेब की बर्फी। ये आप मिठाई घर में पड़े सामानों से बना सकते हैं जो कि ईजिली अवेलेबल हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। यहाँ मैंने ये ले लिया है मावा, और नेक्स्ट है यहाँ मैंने ये ली है सेव, जिसको हम नमकीन भी बोलते हैं। इंग्रेडिएंट्स के सारे जो भी मेजरमेंट्स हैं मैंने फर्स्ट स्क्रीन पे स्पेसिफाई कर दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ से रेफर कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स पे। ये है मैंने ले लिए हैं एक ग्लास दूध, ये शक्कर, ये है ड्राई फ्रूट्स बादाम और काजू, ये है इलायची, और ये है अदर ड्राई फ्रूट्स जो कि हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। चलिए, ये सब तो हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए एक बर्फी बनाने के लिए। यहाँ ये मैंने कढ़ाई रख ली है, ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है। चलिए डाल लेते हैं इसमें हमारा वो 1 ग्लास दूध। ये दूध मैंने डाल दिया है। अब ये मैं डाल रही हूँ शुगर, और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसको दूध को बॉईल होने देंगे। ये हमारा दूध थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब हम डाल देते हैं ये मावा। ये मावा मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये ऐड हो गया मावा। अब चलिए फटाफट से इसे घुमा लेते हैं, और हमें अच्छे तरीके से इसे घुमाना है ताकि मावे के जो लम्स हैं वो निकल जाए और हमारा मावा अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। यहाँ अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो अभी तक दूध में थोड़े पीसेस दिख रहे हैं मावे के। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे टैप करके ये मावे को तोड़ देना है और अच्छे से उसको मिक्स करना है। हमको इस बैटर को, जो दूध और मावे के बैटर है, इस बैटर को एक समतल पोजीशन पे पहुँचाना है। यहाँ ये मुझे मिक्स करते 7 to 10 मिनट्स हो चुके हैं और बैटर इस कंसिस्टेंसी में पहुँच चुका है। आप ध्यान दे रहे हैं, ये देखिए मावा दूध में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब जब हमारा ये मावा मिक्स हो चुका है अच्छे से, तो अब हम इसमें डाल लेते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स, वो है काजू और बादाम, और दूसरा है इलायची। ये इलायची भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इस बैटर को हमें तब तक गर्म करना है जब तक ये बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती और बैटर पक के थोड़ा उसकी क्वांटिटी से हाफ नहीं हो जाता। यहाँ इस बैटर को पकाते मुझे 5 to 10 मिनट्स हो चुके हैं और बैटर की कंसिस्टेंसी हाफ हो चुकी है। यहाँ आप ये ध्यान देंगे, ये मैं फिंगर में टेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, ये हल्का सा चिपकना शुरू हो चुका है। हमें ये तार नहीं बनानी है, ये तार नहीं चेक करनी है, सिर्फ हल्का सा चिपकना चेक करना है कि हमारे हाथ में चिपक रहा है कि नहीं। जब मैं सेटिस्फाई नहीं थी तब मैंने इसे थोड़ा सा और पकाया है। हम इसको बैटर को थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर अब एक और बार मैं इसका टेस्ट लूँगी। मुझे 5 मिनट्स और हो चुके हैं, अब मैं इसको और चेक कर रही हूँ। ये देखिए, अब ये हमारी उस कंसिस्टेंसी में आ चुका है। ये देखिए, ये हल्का सा चिपक रहा है, ये देख रहे हैं, ये देखिए ये चिपक रहा है। जब ऐसे अब चिपकना ये शुरू हो गया है तो हम हमारा डालेंगे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है नमकीन या सेव। अब चलिए सेव को मिक्स कर लेते हैं, और इस पोजीशन पे आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। ये हमको बैटर को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कीजिए, ये मिक्स मिक्स मिक्स। चलिए जी, ये ऑलमोस्ट हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ ये आप देखेंगे, ये हमारा जो हमने बैटर बनाया था और ये नमकीन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये हल्का सा गर्म है, सो हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। चलिए देख लेते हैं हमारी प्लेटिंग। यहाँ ये मैंने रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली है, उसमें मैंने नीचे ऑयल लगा के बटर पेपर स्टिक कर दिया है। ये जी हमारी प्लेट रेडी है। चलिए अब हम ये बैटर को उतार लेते हैं इसमें। ये धीरे धीरे से हमें बैटर उतार लेना है उसमें जी। बैटर को उतार लेने के बाद
बस हमें उसे अच्छे से सेट करना है और उसमें आप जो भी गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो उसके ऊपर आप डाल सकते हैं और उसको ठंडा होने दें, उसको अच्छे से सेट होने दें। जी यहाँ देखिए, ये मैंने बैटर को सेट कर लिया है और गार्निश कर लिया है पिस्ता और चारोली के साथ। यहाँ ये बैटर थोड़ा ठंडा हो चुका है, ये मैंने स्पैटुला से इसमें कुछ कट्स कर लिए हैं ताकि हम बाद में ये जब पूरी मिठाई ठंडी हो जाए तो आराम से इसके पीसेस निकाल सकें। आपने ये याद रखना है, मिठाई जब थोड़ी ठंडी होगी तभी ही हमें कट्स करने हैं। अब यहाँ हमारी ये मिठाई पूरी ठंडी हो चुकी है और ये मैंने पीस निकाल लिया है। ये देखिए, आपकी ये मिठाई रेडी हो चुकी है खाने के लिए। सो आई होप आपको ये बहुत ही सिंपल रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसी बनी है आपकी ये मिठाई। सो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।